हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम रिग्रेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा था और टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखा था। इनके स्टेप्स जैसे कि लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि रिग्रेशन टेस्ट किए जाते हैं हर बार जब मॉड्यूल को हम कंबाइन करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, रिग्रेशन टेस्टिंग एंश्योर्स नो न्यू एरर्स अकर। ऑलराइट, तो आइए एक बार डिटेल में जानते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई नया मॉड्यूल ऐड करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे, तो पुराने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए नए मॉड्यूल की वजह से, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। द एडिशन ऑफ अ न्यू मॉड्यूल एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग मे कॉज प्रॉब्लम्स विद द फंक्शंस दैट प्रीवियसली वर्कड फ्लॉलेसली। तो इस रीजन की वजह से, दिस इज द रीजन व्हाई रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन। एंड व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? रिग्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली the re-execution, it is the re-execution of the test cases. It may be a subset or complete set of test cases that have already been conducted, previously, but they need to be reconducted to ensure that there are no new flaws. The changes or the addition of new module does not cause any flaws in the previously flawless working modules or clusters. Or you can say they do not create any side effects. ठीक है, so basically regression testing is the re-execution. ये term आपको याद रखना है, it is not the execution but re-execution of some subset of test cases that have already been conducted to ensure that changes or additions do not create new side effects. So regression testing हम करते कैसे है? रिग्रेशन टेस्टिंग या तो आप ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं या मैन्युअली भी कर सकते हैं। और जब ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कैप्चर प्लेबैक टूल्स। नाउ व्हाट आर कैप्चर एंड प्लेबैक टूल्स? कैप्चर प्लेबैक टूल्स बेसिकली टेस्ट केसेस और उनके रिजल्ट्स को कैप्चर करते हैं और फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन के टाइम पे कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। So basically, these tools ensure, or you can say these tools enable the software engineer to capture the test cases. क्या क्या test cases पहले से हमने execute करे थे, and the result of their of these test cases, to capture the test cases and their results so as to play back for subsequent evaluation. All right, for subsequent playback, yani वापस से जब हम regression testing के time ये tests दोबारा करें तो हम compare कर सकें कि पिछली बार जब ओरिजिनली टेस्ट किए गए थे तो उनका क्या रिजल्ट आ रहा था और अब क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑलराइट, तो ये टेस्ट कंडक्ट कैसे होते हैं? क्या सारे टेस्ट्स हम वापस से करते हैं या सबसेट ऑफ टेस्ट्स करते हैं या सारे मॉड्यूल्स की सारी फंक्शनैलिटी फिर से कैप्चर करके हम इवेल्युएट करते हैं या कैसे? सो बेसिकली इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द काइंड and the level of integration and the complexity of the module that has been newly integrated. So you can say that it may happen that all the test cases
एंड ऑल द सॉफ्टवेयर फंक्शंस आर इवेल्युएटेड अगेन. ठीक है, यू कैन से वी नीड टू एग्जामिन द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक ऐसा मॉड्यूल और एक या फिर मेन कंट्रोल मॉड्यूल इंटीग्रेट हुआ हो, या ऑल द मॉड्यूल्स या ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है दैट वी हैव टू फोकस ऑन द फंक्शनैलिटीज दैट आर लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग बाय द न्यू मॉड्यूल दैट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड. फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी दैट इज मोस्ट लाइकली टू गेट अफेक्टेड by the newly integrated module. ठीक है, और last क्या हो सकता है, सिर्फ उन components को test करो जो change हुए हैं. यानी third category can be test only those software components that have been changed. So this is all about regression testing. It is not a very difficult concept to understand. आपको बस ये समझना है कि regression testing क्यों की जाती है और उसमें actually होता क्या है. तो क्यों की जाती है, उसका answer ये है ताकि previously जो functionality सही से deliver हो रही हो वो अब भी सही से हो नए module के add होने के बाद. कब की जाती है, इंटीग्रेशन के टाइम पे की जाती है, जब भी कोई नया मॉड्यूल ऐड होता है. और कैसे की जाती है, या तो मैनुअल या ऑटोमेटेड. ऑटोमेटेड होते हैं कैप्चर या प्लेबैक टूल्स के हेल्प से. और ये टूल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली टूल्स हम दे अलाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू कैप्चर द प्रीवियस टेस्ट केसेस एंड देयर रिजल्ट्स एंड द प्लेबैक ऑफ दीज रिजल्ट्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में जाना. आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स इन दिस लेक्चर. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ इजी इंजीनियरिंग क्लासेस, ताकि आप आगे की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाएँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस.